शुरू करने से पहले आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, वो ये कि भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ एक मर्तबा कपिल शर्मा के शो में गए थे और वहाँ उन्होंने खुलासा किया था कि भोजपुरी में रवि किशन के पास बॉडीगार्ड की सेना है, वो अपने आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। और ऐसे में एक बार ये हुआ कि मैं उनके एक फिल्म के प्रीमियर पर गया, जैसे ही रवि भैया आए और मैंने चाहा कि झट से उन्हें प्रणाम करूं, तो मैं आगे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ा उनके कुछ बॉडीगार्ड ने मुझे पकड़कर दूसरी तरफ रख दिया। फिर कपिल शर्मा ने पूछा कि रवि भैया ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और तब निरहुआ ने बताया कि यही सवाल मैंने भी उनसे पूछा कि ये क्या था कि आपके बॉडीगार्ड ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया और लोगों के बीच उठा के दूसरी तरफ कर दिया। तब रवि किशन ने निरहुआ को कहा ये सब भौकाल है, यानी कि ये सारी कुछ चीज़ें अपने स्टारडम को बढ़ाने के लिए लोग करते हैं और इसे भौकाल बोलते हैं बच्चा। तो खैर आज हम आपको इसी भौकाल की कहानी सुनाएंगे। जी हाँ, भोजपुरिया स्टार्स में किसके पास है सबसे ज़्यादा बॉडीगार्ड, आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बॉडीगार्ड के मामले में कौन है सबसे अव्वल नंबर। वैसे रवि किशन भले ही भोजपुरी फिल्मों में इस वक्त कार्यरत ना हो, लेकिन बॉडीगार्ड के मामले में उन्हें सबसे ज़्यादा बॉडीगार्ड इसलिए भी मिले हुए हैं क्योंकि वो एक सांसद हैं, गोरखपुर के वो सांसद हैं, इसलिए उनके सरकारी बॉडीगार्ड तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उनके कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड भी हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव के अपने पर्सनल 4 बॉडीगार्ड हैं और वो बॉडीगार्ड कुछ इस तरह रखते हैं, जब वो पब्लिक के बीच होते हैं तो उनके बॉडीगार्ड पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, या फिर किसी कॉमन मैन ने उन्हें छूने तक की कोशिश की बॉडीगार्ड झट से हटा देते हैं, क्योंकि स्टार के लिए उनकी बॉडी उनका सकुशल रहना बहुत ज़रूरी है। इन स्टार को चोटें भी आ जाती हैं और ये हर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी इनके बॉडीगार्ड बड़ी फुर्ती से काम करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं पवन सिंह की तरफ। कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा बॉडीगार्ड हैं वो हैं पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह की पॉपुलैरिटी यूपी बिहार के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया है, इस वजह से उन्हें बॉडीगार्ड की संख्या को बढ़ाना पड़ता है और नियम अनुसार घटाना भी पड़ता है। अब आप ये कहेंगे ये क्या माजरा है, जब पवन सिंह अपने गांव खेड़े में रहते हैं या कोई स्टेज शो करते हैं या फिर पब्लिक के बीच रहते हैं तो अपने बॉडीगार्ड्स की संख्या को वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मर्तबा ऐसा ही होता है। अभी हाल ही में पवन सिंह ने ये कहा कि वो अपने गांव गए थे और जैसे ही लोगों को पता चला कि पवन सिंह आए हुए हैं, लोग उनके गांव के उनके घर के बाहर आ गए और फिर पवन सिंह के घर पर पथराव करने लगे, क्योंकि लोगों को ये लगा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, पवन सिंह आए ही नहीं हैं। तब पवन सिंह के बॉडीगार्ड ने कहा कि सर आप बाहर आइए और लोगों को ये कहिए कि आप हैं और लोगों को शांत रहने की भी हिदायत दीजिए। तब पवन सिंह बाहर आए, लोगों को शांत रहने को कहा और फिर लोग जब पवन सिंह से मिले तो चले गए, और ऐसे में तब पवन सिंह को बिहार पुलिस ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई थी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे कई वाकया हैं जो आपको बताना है। आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे स्टेज शो हुए हैं जहाँ पर फैंस इतने उतावले हो जाते हैं कि पवन सिंह को छूना चाहते हैं। ऐसा ही एक स्टेज शो हुआ जहां पर पवन सिंह के जान पर आ बनी और इसी स्टेज शो के बाद पवन सिंह ने ये ठान लिया कि उन्हें अपने बॉडीगार्ड के खेमे को बहुत दुरुस्त रखना है, क्योंकि अब जहां बात जान की आए वहां तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। अगर पवन सिंह मुंबई में रहते हैं तो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ ही चलते हैं ज़्यादातर। खैर आगे हम आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ इस चीज़ में अभी काफ़ी पीछे हैं,
हम पीछे इसलिए कहेंगे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जिस तरह की है बड़ी ही शांत है, बड़ी ही उनकी बात शायद मानने वाली है, दीवानगी वाली फैन फॉलोइंग शायद वो कैरी नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने साथ दो बॉडीगार्ड रखते हैं। लेकिन इससे उलट हमारी भोजपुरिया इंडस्ट्री की हीरोइनें भी कम नहीं है जनाब। आपको बता दें कि हालिया एक इंटरव्यू में खुद आम्रपाली दुबे ने कहा कि मैं अपने साथ 6 बॉडीगार्ड कैरी करती हूँ, क्योंकि आम्रपाली ने कहा कि वो बहुत डरती हैं भीड़ से और उन्हें काफ़ी नर्वस महसूस होती हैं। कहती हैं कि जब वो पब्लिक अपेयरेंस करती हैं तो लोग उन्हें छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, छू के टच करना चाहते हैं। इसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि फैंस बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, तब ऐसे में बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है और अपने बॉडीगार्ड को अपने से 1 फीट की दूरी पर ही रखती हैं अपने बॉडीगार्ड को, ताकि ऐसा कोई भी फैंस उन्हें हार्म ना पहुंचा सके। ज़्यादातर हीरोइनों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं, बॉलीवुड में ही। कई मर्तबा तो हीरोइनें अगर भीड़ में हैं तो उनकी बाल तक को खींच लिया जाता है। ऐसे ही शिकार बॉलीवुड में सोनम कपूर से लेके सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय तक हो चुकी हैं। खैर, और आपको आगे बता दें कि ऐसे में ही अगर आम्रपाली के पास 6 बॉडीगार्ड हैं तो अक्षरा सिंह के पास 2 बॉडीगार्ड हैं, ही काजल राघवानी के पास भी 2 बॉडीगार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारी भोजपुरिया हीरोइनें भी कम नहीं है इस मामले में, क्योंकि सेफ्टी तो मस्ट भी होती ही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।